जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल टॉक में। अगर आप भी चाहते हो आपका जीवन भी हो खुशहाल, तो सच्ची आत्मा से हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। भाद्रपद अष्टमी से 16 दिन तक अवश्य पढ़ें। यह श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा, कथा श्री गणेशाय नम। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पोत्रादि और परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन क्वानर कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई, साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केशर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केशर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया।
राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को बिदाकर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। साभार 12 महीनों की व्रत कथाएं, महालक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा के पाठ से घर में होगा मां लक्ष्मी का वास। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह में रखा जाता है। यह 16 दिनों तक चलता है। इस बार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और अगले 16 दिनों तक यानी 4 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान महालक्ष्मी व्रत रख रहे हैं तो इस कथा पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहां पढ़ें महालक्ष्मी व्रत की कथा। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग सकते हो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह चाहती है कि उसके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाए, इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने घर में मां लक्ष्मी को बुलाने की तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहां एक स्त्री आती है और वहां आकर वह उपले थापती है, तो तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा, वहीं मां लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब मां लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करें। मां लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक मां लक्ष्मी की उपासना की। मां लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की इन 16 दिनों तक उपासना करता है, मां लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में रखें। इसके बाद थोड़ा से चावल डालकर लक्ष्मी जी के पास कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक नारियल में कपड़ा बांध कर रखें। इसके बाद गणेश जी की और चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक हैं। नवग्रह और षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ ही 11 दीपक, खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दूर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, धूप, अगरबत्ती। इसके बाद विधा विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले कथा का पाठ करें, अंत में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आरती करें।